मेनोपॉज के आपको छोड़कर चला जाता है तो उसे वापस कैसे बुलाए। हे एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है मेरे चैनल द लॉयर्स क्लिनिक। आज हम समझेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर ये क्यों ज़रूरी है, या फिर क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिस पर ये पर्टिकुलर प्ले डाली जाती है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ है। मैं आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। बिना किसी रीजनेबल कॉज के जो वाइफ है वो हस्बैंड की सोसाइटी को या उसके पर्टिकुलर घर को छोड़कर चली जाती है। ये चली गई, ठीक है, और उसके बाद अब इसके पास कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं था घर से जाने का, और हस्बैंड के बार बार बुलाने के बाद भी वाइफ नहीं आ रही है, तो हस्बैंड क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की प्ली डालेगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मतलब जो जैसे था पहले वो वैसे हो जाए बिल्कुल, और तब कोर्ट में हियरिंग चलेगी। और अगर कोर्ट को इसका रीजनेबल कॉज बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं लगा, या फिर अगर उसको रीजनेबल लगता है कि हाँ भाई वाइफ के पास एक पर्टिकुलर रीजनेबल कॉज है उसको छोड़ के जाने का, तब तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बिल्कुल भी ग्रांट नहीं होगी। पर अगर इसके पास कोई रीज़न नहीं है, या फिर रीज़न है पर वो बहुत ही बेतुका सा है, तो जो कोर्ट होगा वो हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री ग्रांट कर देगा और वाइफ को वापस आना पड़ेगा। और इस पूरे सिचुएशन में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो रिस्पोंडेंट के पास होता है, उसे प्रूफ करना होता है जो उसका कॉज है वो रीजनेबल है या नहीं। अब हम समझते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पूरी क्रोनोलॉजी। सबसे पहले हम समझेंगे इसकी मीनिंग। अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ बिना किसी रीजनेबल कॉज के किसी दूसरे, अपने ही एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के वाइफ ने हस्बैंड के सोसाइटी को विड्रॉन कर दिया, उसका घर छोड़ दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? जो हस्बैंड होगा वो एक प्ली डालेगा जिसमें वो अपनी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की मांग करेगा, और जो वाइफ होगी उसे वापस आना पड़ेगा। तो ये हुई इसकी मीनिंग। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें क्यों चाहिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? तो देखिए, ये जो कोर्ट की डिग्री ग्रांट करता है ये सिर्फ इसीलिए करता है ताकि दोनों पार्टीज के बीच में दोबारा से कोहेबिशन हो जाए और दोनों पार्टीज अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सके। एक तरीके से जो डिवोर्स का जो पाथ होता है उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक पत्थर की तरह होता है, जिसमें कि डिवोर्स तक तो पाथ नहीं जाती है, पर इसकी वजह से वो दोबारा कोहेबिट हो जाते हैं और दोबारा अपने मैट्रिमोनियल लाइफ को इंजॉय कर पाते। अब हम सेक्शन 9 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को समझते हैं। पहला केस है टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्बैया, 1983 का केस है। इस केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है वो राइट टू प्राइवेसी और ह्यूमन डिग्निटी के वॉयलेटिव है। पर श्रीमती हरविंदर कौर वर्सेस धर्मेंद्र सिंह में 1984 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है ये बिल्कुल भी किसी भी फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव नहीं है। लास्टली सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार वाले केस में, जो कि 1991 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के बिल्कुल भी अगेंस्ट या वॉयलेटिव नहीं है। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए और उसके प्रस्पेक्टिव को अच्छे से समझा जाए तो ये बिल्कुल भी वॉयलेटिव नहीं है, क्योंकि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो एक मैरिज को बचाना है, एक मैरिज लाइफ को बचाना है, दो लोगों को अलग होने से रोकना है। इसीलिए लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ICR है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये बिल्कुल भी किसी भी राइट की वॉलेटिव नहीं है। अब हम समझते हैं इसेंशियल ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जो कोर्ट होगा वो कोई भी तरीके की डिग्री पास करेगा। तो सबसे पहले जो पार्टीज होनी चाहिए वो लीगली वेडेड होनी चाहिए, उनकी शादी लीगली होनी चाहिए, और किसी एक पार्टी ने विड्रॉन किया हो किसी दूसरे पार्टी की सोसाइटी से, मतलब छोड़ दिया हो, और नेक्स्ट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई भी रीजनेबल कॉज ना हो उसके पास छोड़ने का, और जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिस पार्टी को छोड़ा गया है आइदर हस्बैंड और वाइफ, उसने अप्लाई किया हो रेस्टिट्यूशन ऑफ
राइट्स की, जब ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे तभी कोई को तभी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी तरीके की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री ग्रांट करेगा। हो सकता है एग्रीड पार्टी के फेवर में करे या फिर अगेंस्ट में। अब हम समझते हैं व्हाट विल अमाउंट टू विथड्रॉन, मतलब विथड्रॉन कैसे होगा या किस किन चीज़ों को समझा जाएगा कि हाँ ये विथड्रॉन किया गया है किसी दूसरे की सोसाइटी से। सबसे पहला ये वॉलेंटियर एक्ट होना चाहिए, मतलब सोच समझ कर किया गया होना चाहिए। मैरिटल ऑब्लिगेशन ना पूरी हो रही, जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशन होती हैं वो ना पूरी हो रही, फिजिकल एज वेल एज मेंटल इंटेंशन सबसे ज़रूरी है। उसका इंटेंशन होना चाहिए, जो पार्टी विड्रॉन कर रही है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ मुझे इसका नहीं रहना या मुझे अब अलग होना है। और पहले तो मेंटली ही आदमी सोचता है कि अब नहीं रहना या छोड़ देना है, उसके बाद तो फिजिकल एक्शन होता है ना, वैसे ही फिजिकल एज वेल एज मेंटल इंटेंशन। पॉवेल वर्सेस पॉवेल और रमेश चंद वर्सेस प्रेमलता के केस में हुआ यूँ था कि जो हस्बैंड था उन्होंने घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट जगह शिफ्ट कर लिया किसी दूसरे घर में, तो इस प्रोसेस को कहा गया कि हाँ भाई इन्होंने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विथड्रॉन किया है अपनी वाइफ के सोसाइटी से या फिर उसके कंपनी से। सेकेंड केस है अलका भास्कर वर्सेस सचिदानंद बंड। इस केस में हुआ यूँ था, जो वाइफ थी उसको एक अच्छी जॉब मिल गई और उस जॉब के लिए उसको अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था, तो उसने ये किया कि अपने ऑफिस के पास ये घर ले लिया। और तब सचिदानंद बरके ने इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का क्लेम डाल दिया। तब कोर्ट ने ये कहा कि जो वाइफ है उसका इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो अपने पति को छोड़कर चली जाए, और जो मैट्रिमोनियल होम है वो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड के पेरेंट्स का ही हो। तो यहाँ पर वो जो काम कर रही है वो गेन के लिए कर रही है, गेन फुली कर रही है, इसीलिए इस अलका भास्कर का विड्रॉन नहीं माना गया। अब हम समझते हैं कि टेस्ट ऑफ रिजनेबिलिटी क्या होगी, कैसे पता चलेगा जो एक्सक्यूज पार्टी के द्वारा दिया गया है वो रीजनेबल है या नहीं। तो इसको हम दो केस के साथ समझेंगे। पहला है श्रीमती सुमना बाई वर्सेस अनंत राव ओनकर पन पाटिल, ये 1976 का केस है। इस पर्टिकुलर केस में जो हस्बैंड था उसने वाइफ के कैरेक्टर पर, उसके चेस्टिटी पर क्वेश्चन किया था, और कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी औरत के कैरेक्टर पर बात उठती है तो उससे बड़ा रीजनेबल कॉज तो कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है आर नटराजन वर्सेस सुजाता वासुदेव, 2011 का केस है। इसमें वाइफ भी सिर्फ इसीलिए हस्बैंड के हाउस से सेपरेट हो गई थी क्योंकि जो हस्बैंड के पेरेंट्स थे वो काफ़ी बुढ़े हो चुके थे, और कोर्ट ने इस पूरे मैटर को बिल्कुल भी सही नहीं माना और बिल्कुल भी रीजनेबल कॉज नहीं माना, और इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ग्रांट की गई, जबकि इसमें नहीं की गई क्योंकि वाइफ के पास एक रीजनेबल कॉज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको सेक्शन 9 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।